सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज मैं जा रहा हूँ गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। काफ़ी पीछे शोर आपको मिलेगा बट वहाँ पे आपको काफ़ी पीस मिलेगा, इसलिए मैं आज उधर ही जा रहा हूँ पीस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर वहीं पे। एंट्री लेंगे अंदर के लिए और आगे में हमें मिलेगा काउंटर, सो वहाँ से हम टिकट लेंगे। सो हेयर इज़ द प्लेस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो अभी मैं धीरे धीरे आपको उसकी झलकियाँ दिखाऊंगा और आप देखिए कितनी अच्छी जगह है। और इनके साथ अगर आप आते हैं तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स में पक्का आइए। और जो मैंने यहाँ का सफ़र है वो ऑन फुट तय किया था। एक्चुअली ये मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो चलिए मैं कुछ आपको झलके दिखाऊंगा और सिनेमैटिक करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है अभी तक। तो अगर सिनेमैटिक कुछ अच्छा लगेगा तो वो मैं करके दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। ग्रीनरी तो वैसे बाहर कहीं मिलेगी नहीं है, तो यहाँ तो आपको पहाड़ों में मिलेगी और यहाँ फिर आपको लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी खुद से। तो उनमें से एक लोकेशन ये है, तो काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। आप काफ़ी अच्छे से इनका गार्डन भी मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं आपको। फ्रेंड्स, ये कुछ फुटस्टेप बना रखे हुए हैं, तो आप इसको फॉलो करते हुए सेंटर सिटिंग प्लेस पे आ सकते हैं और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और इस पीस का मज़ा ले सकते हैं। नेपाल में आने का सबसे बढ़िया मौसम है फरवरी एंडिंग और अप्रैल तक, और उसके बाद है सितंबर के बाद में नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड हो जाती है। तो अगर आप ठंड का मज़ा लेने के लिए आना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी में भी आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। मगर इस बार तो ऐसा मौसम रहा है कि बारिश नहीं पड़ी है, और बारिश ना पड़ने के कारण अभी हल्की हल्की गर्मी सी होने लग पड़ी हुई है। फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अभी जैसे जनवरी ख़त्म हो गया और फरवरी स्टार्टिंग है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, तो आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो अपर पार्ट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी जगह सिटिंग अरेंजमेंट है, तो जहाँ पे भी आपका अगर आप छाया में बैठना चाहते हैं तो छाया में भी बैठ सकते हैं, और धूप का आनंद लेना चाहते हैं तो धूप का आनंद भी ले सकते हैं। देखेंगे तो ये एक पॉन्ड है और हर जगह बीच बीच में छोटे छोटे से पॉन्ड बना रखे हुए हैं यहाँ पे। Thank you.
मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा ना तो नेपाली दिखे और ना ही इंडियन दिखे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ तो है नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ पे पीस मिलता है वहीं पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी शांति है, बाहर की कुछ गाड़ियों का शोर तो है बट वो इतना यहाँ पे फील नहीं हो पा रहा। जो यहाँ का वाटर है, जो यहाँ पे पॉन्ड बना रखे हैं, जो उसमें वाटर ड्रॉप हो रहा है, तो वो सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पंछी भी काफ़ी सारे हैं जो अपनी चहचहाहट से आपका मनोरंजन करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टिकट काउंटर, तो आप 400 रुपीज़ पे करके एंट्री ले सकते हैं जो कि फॉरेनर के लिए है, और 150 रुपीज़ हैं जो कि नेपाली के लिए। अराउंड 9 बजे ही ओपन हो जाता है और शाम के 6 बजे के तकरीबन ये बंद भी हो जाता है। तो जो आप अगर प्लान करते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो उसी हिसाब से प्लान करिए। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।